निशान क्या खा रहे हैं आप? नियाज़े माम हुसैन अलैहिस्सलाम, दो तीन दिन पहले एग्जाम, अच्छा ये पूछ रही थी कि कहीं बर्गर्स की नियाज क्यों नहीं मिलती, यानी खाने में बर्गर क्यों नहीं मिलते, और अभी हमें इतनी शदीद भूख लग रही थी कि हम अपने घर से निकले हैं, रास्ते से कुछ खाने का प्लान था लेकिन जहन में नहीं रहा खाना, गाड़ी से उतर के अंदर दाखिल हुए हैं तो आगे से बर्गर की नियाज मिली है विद पेप्सी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरी आज़ादारी सीरीज़ का सबसे स्पेशल व्लॉग होने वाला है। आज 8 मुहर्रम है, सुबह 9 मुहर्रम हो जाएगी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि 9 मुहर्रम से पहले यहाँ पर क्या तैयारियाँ की जाती हैं, क्योंकि 9 मुहर्रम को रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ से ज़ियारत बरामद होती है जो कि करबला गामे शाह तक जाती है। तो मोची गेट में जो उसका रूट है वो भी आपको दिखाएंगे, जुलजना कैसे तैयार किया जाता है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल मस्जिद वज़ीर ख़ान के अकब में, और ये जो स्पेशली जगह है ये सेंटर है मोची गेट का जहाँ पर ज़्यारत आती है, और ये काफ़ी खुला यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पर मातम आसानी से किया जा सकता है कंपैरेटिवली गलियों के। तो इस जगह पर आकर मातम होता है, जंजीर से नहीं होती, और फिर यहाँ से होते हुए करबला गामे शाह तक ज़्यारत जाती है। बला के गम उठाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ मस्जिद नवाब शाह के बाहर, और ये बड़ी तंग गलियां हैं जहाँ से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और आशूरा के रोज़ यानी कि 10 मुहर्रम अल हराम को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ से ज़्यारत निकलती है जो अपने रूट पर जाती है, और उसका इख्तिताम होता है जाकर करबला गामे शाह में। फिदा करने को दीने मुस्तफा पर, फिदा करने को दीने मुस्तफा पर, अली अकबर सजाए जा रहे हैं। ये वो गलियां हैं जहां से मस्जिद नवाब शाह से ज़्यारत निकलती है और फिर वो जाती है करबला गामे शाह की तरफ। और ये जो ज़्यारत स्पेसिफ़िकली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये 10 मुहर्रम अल हराम को सुबह अज़ान अली अकबर के बाद इस मस्जिद नवाब शाह से निकलती है, और फिर अपने रवायती रास्तों से होते हुए करबला गामे शाह पर इसका इख्तिताम होता है। इन तंग गलियों से ये जुलूस जाता है। और अब ये है कि इमाम बारगाह, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी डालकर ऊपर कारपेट डाला हुआ है, और इसी तरह से ये एक और इमाम बारगाह जहाँ पर मिट्टी डाली जा चुकी है, ताज़ा गीली मिट्टी अभी सूखी नहीं है, एक और इमाम बारगाह जहाँ पर मिट्टी डालकर ऊपर कारपेट डाला गया है, बारगाह दर बतूल ज़हरा। इसके अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर प्रिपरेशंस चल रही हैं रात के इस पहर भी। और इस तरफ ये देखिए कि तबर्रुक पड़ा हुआ है जो सुबह बांटा जाएगा। और ये है मुबारक हवेली जो कि निसार हवेली के बिल्कुल साथ है। मुबारक हवेली में भी बहुत रश होता है, यहाँ पर मजालिस भी होती हैं, और 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को यहाँ पर गैर मामूली रश होता है। लेकिन मुबारक हवेली से जो ज़्यारत बरामद होती है वो सिर्फ होती है 21 रमज़ानुल मुबारक को, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के रोज़ जो ताज़िया निकलता है वो यहाँ से निकलता है मुबारक हवेली से, और ज़्यारत का वही रूट होता है करबला गामे शाह जाके, वो विद्या होती है। और ये है निसार हवेली। निसार हवेली से 9 मुहर्रम अल हराम को रात 10 साढ़े 10 बजे ज़्यारत बरामद होती है, जुलजना अपने रूट पर होता हुआ, रवायती रास्तों पर गामजन होता हुआ करबला गामे शाह जाता है, और वहाँ पर ज़्यारत विद्या होती है। 9 मुहर्रम अल हराम की ज़्यारत का मैं आपको बता रही हूँ। और अभी मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए कि जितने इमाम बारगाह या आज़ा खाने हैं वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर ऐसे मिट्टी डली हुई है,
तो इस मिट्टी के डालने का मकसद ये है कि 9 मुहर्रम अल हराम को और 10 मुहर्रम अल हराम को जो ज़्यारत आती है वो आराम से अंदर जा सके बारगाह के और बाहर आ सके, क्योंकि जो मस्तूरात हैं वो ईज़िली अंदर बारगाह में ज़्यारत कर सकें, या फिर जो बीमार हैं और वो इतने रश में ज़्यारत नहीं कर सकते वो यहाँ पर ज़्यारत कर सकें। और ये जो मिट्टी है ना, ये ताज़ा ताज़ा मिट्टी डाली गई है, ये अभी गीली है, ये मिट्टी अभी सूखी नहीं है, तो ये ज़्यारत के लिए यहाँ पर इस मिट्टी को डाला जाता है। जो यहाँ पर आते हैं लोग ज़्यारत करने के लिए आज़ादारी के सिलसिले में, तो आपको पता है कि ये गलियाँ बहुत तंग हैं, तो सबीलें उस तरह से जहाँ पर नहीं लगी हो सकती तो यहाँ पर नलके लगा दिए जाते हैं इस तरह, ताकि लोग पानी पी सकें जहाँ पर सबील के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। निसार हवेली का मेन गेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये उसका पिछला दरवाज़ा है जहाँ से ज़्यारत की बरामदगी होती है 9 मुहर्रम अल हराम को। और उसी तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी कि बारगाह के आगे मिट्टी डाली होती है ताकि ज़्यारत आराम से अंदर जा सके और बाहर आ सके, तो इस दरवाज़े पर भी इसी तरीके से मिट्टी डाली हुई, और ये भी अभी गीली है, ये ताज़ा मिट्टी अभी सूखी नहीं है। ये भी एक तरीका है, बोरियाँ डालकर फिर ऊपर मिट्टी डाली जाती है। यहाँ के एक रहने वाले मोहम्मद मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ताकि वो हमें बेटर एक्सप्लेन कर सकें कि ज़्यारत जब बरामद होती है तो उसका रूट क्या होता है। मुर्तज़ा मुझे बताइएगा, ज़्यारत यहाँ से बरामद होती है तो फिर कहाँ कहाँ जाती है? यहाँ से निकलती है तो आगे जाती है लास्ट पे, वाजिद अली शाह की विलेज गली के लास्ट पे ही है, ठीक है, वहाँ से 2-3 घर हैं और एक इमाम बार गया, यहाँ से होती हुई वापस जाती है बाहर होते हैं, यहाँ से लेफ्ट होती है मेहदी अली शाह का इमाम बार गया, वहाँ से होती हुई फिर ये वापस राइट जाती है मोची बाहर को, वहाँ से लाल हवेली, वहाँ से वापस आती है बाबुल वाइज के बिल्कुल अपोजिट गली है जो सीधा मोहल्ला शिया को आती है, वहाँ से होती हुई जाती है मातम शाह इमाम बार गया नूर गली में, वहाँ से वापस आती है और ये जाती है पीछे मस्जिद जहाँ से सुबह बरामदगी होती है उसकी पहले बैक साइड पर जाते हैं, वहाँ से वापस आके इसका मस्जिद में सुबह कयाम होता है, फिर ये मस्जिद से दोबारा अपने वहाँ पर इसकी तैयारी होती है दोबारा से, और ये फिर अपने रूट पर गामजन होती है और फिर वापस यहाँ से आती हुई सीधी कतवाली बाहर जाती है, वहाँ से वजीर खान चौक, सुआ बाज़ार, तहसील बाज़ार, गुमटी, वहाँ से भाटी बाज़ार सीधा गामेशा में विद्या होती है। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं तो ये नहीं बता पाती और मैं सारी गलियाँ मिक्स कर देती। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा। निसार हवेली के बिल्कुल ऑपोजिट ये हॉस्पिटल है, अल खुमैनी फ्री हॉस्पिटल, और सिर्फ मुहर्रम सफ़र में ही नहीं, यहाँ पर पूरा साल फ़्री ऑफ कॉस्ट लोगों को तिब्बी इमदाद मुहैया की जाती है। और जैसा कि इन दिनों में ख़ास तौर पर लोग यहाँ पर आते हैं ज़दारी के लिए, और 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूस के प्रोसेशन जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत नासाज हो जाए, जो लोग पुरसा देने आते हैं उनकी फ़र्स्ट एड के लिए यहाँ पर सारी सहूलियात होती हैं और फ़्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को ट्रीट किया जाता है। मोची दरवाज़ा मैं आपको पहले भी यहाँ पर इमाम बारगाहें भी विज़िट करवा चुकी हूँ, पहले दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन आज यहाँ पर लेट नाइट आने का मकसद ये था कि कल 9 मुहर्रम अल हराम है तो उससे पहले यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही होती हैं। कंपैरेटिवली इस वक्त यहाँ पर रश नहीं है, लोगों ने अपने घर खोले हुए हैं, अज़ाख़ाने खोले हुए हैं, इमाम बारगाहें खोली हुई हैं, कोई भी जाकर वहाँ पर रेस्ट कर सकता है, और लोग भी अपने घरों में इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सो नहीं रहा है। और सिर्फ यहीं के लोग यहाँ पर नहीं है, बल्कि शहर भर से लोग यहाँ पर आते हैं और वो इमाम बारगाहों में ही या फिर किसी के घर पर स्टे करते हैं, और बाहर से भी लोग आते हैं मोची की आज़ादारी के लिए। तो इस वक्त यहाँ पर यही सूरत हाल है कि तैयारी चल रही है कल के लिए, और गलियों को साफ़ किया जा रहा है क्योंकि ज़ियारत ने यहाँ से गुज़रना है। और यही मेरा मकसद था कि आज मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि 2 दिन लोग सोते नहीं हैं, और जो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं उनकी खिदमत भी चल रही होती है और उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, मैंने आपको दिखाया कि गलियों में नलके लगाए हुए हैं लोगों के लिए, तो बड़ी फैसिलिटीज़ है अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है तो। और एक और चीज़ वो ये कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से, और उसकी वजह ये कि मुझे आज भी और पहले भी जब मैं व्लॉग करने निकलती हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आकर कहते हैं कि हमने आपका व्लॉग देखा और आप अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं, लोगों के जहनों में बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इस तरह से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है यहाँ पर और लोग बताते हैं कि वो व्लॉग्स देख रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और कितने सारे अहले सुन्नत भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए कि उनके बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस थे वो दूर हुए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी आज़ादारी सीरीज़ को इतना पसंद किया, बहुत शुक्रिया आप सबका।